हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुलजार एंड यू गाइस आर वाचिंग गुल रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एंड देयर प्राइजेस। और इस वीडियो को क्रिएट किया है प्राइम्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल ने। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर उनके चैनल को विजिट कीजिएगा अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग सी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग इट, एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन इट। सो 3, 2, 1, लेट्स गो। सो ऐसे कर दी है मैंने वीडियो प्ले। हार्दिक पांड्या, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी करोड़ों के बंगले में रहते हैं, लेकिन इनके घर की चर्चा बहुत कम होती है। इस वजह से क्रिकेट फैंस को खिलाड़ियों के घरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसीलिए हम आज के इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों के टॉप 10 महंगे घरों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी भारतीय क्रिकेटर्स के 10 सबसे महंगे घरों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके और आपके ज्ञान और मनोरंजन में कोई कमी ना हो। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। नंबर 10, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के घर की बात करें तो इनका घर किसी महल से कम नहीं है। इन्होंने खास तौर से अपने इस आलीशान बंगले को राजशाही अंदाज में ही बनवाया है। रविंद्र जडेजा का ये आलीशान बंगला गुजरात के जमुनानगर में मौजूद है। रविंद्र जडेजा अक्सर अपने घर के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब है। सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सौरव गांगुली का घर कोलकाता के एक प्राइम लोकेशन बीरेन रॉय रोड पर मौजूद है। कोलकाता में ये घर पैलेटियल हाउस के नाम से मशहूर है। ये घर सौरव गांगुली का खानदानी घर है, जो कि लगभग 65 साल पुराना है। सौरव गांगुली का बचपन इसी महल में गुजरा है। इस घर की कीमत 12 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। वैसे इस घर के अलावा सौरव गांगुली का एक घर नॉर्थ लंदन के नॉर्थ हैरो नाम की जगह पर भी मौजूद है, जो इन्होंने 2008 में खरीदा था। इस 2 BHK घर की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। नंबर 8, सुरेश रैना। एक समय टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जान कहे जाने वाले सुरेश रैना भी एक आलीशान घर में रहते हैं। इनका घर गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद है। इस घर को बेहद ही खास अंदाज में डिजाइन किया गया है, जहां जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और थिएटर के अलावा प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट पिच भी बनाई गई है। इस घर की कीमत 18 करोड़ रुपए है। नंबर 7, सुनील गावस्कर। क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर ने 2017 में नॉर्थ गोवा के बेहद ही पॉश इलाके ऐसे गांव में एक आलीशान बंगला खरीदा था। इस बंगले की कीमत 20 करोड़ रुपए है। छुट्टी के दिनों में सुनील गावस्कर अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते हैं। वैसे सुनील गावस्कर का परमानेंट घर मुंबई के वर्ली स्पोर्ट फील्ड अपार्टमेंट में मौजूद है। स्पोर्ट्स फील्ड अपार्टमेंट की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ खेल की दुनिया से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलने वाले लोग तथा उनके परिवार वाले ही रहते हैं। नंबर 6, रोहित शर्मा। भारतीय टीम के नए नए कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा का जन्म भी मुंबई में ही हुआ था और वो मुंबई में ही पले बड़े हैं। पहले तो रोहित अपने परिवार के साथ रहते थे, मगर क्रिकेट में बेशुमार पैसा कमाने के बाद इन्होंने मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके वर्ली में मौजूद आहूजा टावर में एक शानदार 4 BHK का घर खरीदा है। आहूजा टावर के 29वें फ्लोर पर मौजूद इस सी फेसिंग वाले अपार्टमेंट के लिए रोहित शर्मा ने 30 करोड़ रुपए दिए थे। रोहित शर्मा ने ये घर 2015 में रितिका सजदेह से एंगेजमेंट के तुरंत बाद खरीदा था। नंबर 5, हार्दिक और कृणाल पांड्या। इंडियन क्रिकेटर्स में फिलहाल हार्दिक और कृणाल पांड्या सबसे लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। क्रिकेट में थोड़ी कामयाबी पाने के बाद पांड्या ब्रदर्स ने गुजरात के वडोदरा के बेहद ही पॉश इलाके में 6000 स्क्वायर फीट में एक आलीशान घर बनवाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर को बनाने में 3.60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 2021 में हार्दिक और कृणाल पांड्या ने मिलकर मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके खार में मौजूद रुस्तम जी पैरामाउंट नाम के लग्जूरियस अपार्टमेंट में एक 31 करोड़ रुपए की मोटी रकम चुकाकर 8 BHK का शानदार घर खरीदा है। इस घर में जिम, थिएटर, स्विमिंग पूल और पार्क के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं की सभी चीजें मौजूद हैं। बता दें कि पांड्या ब्रदर्स के बगल में ही बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी का घर भी है। मतलब पांड्या ब्रदर्स और टाइगर श्रॉफ पड़ोसी बन गए। नंबर 4,
सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का घर मुंबई के सबसे आलीशान घरों में से एक गिना जाता है। उन्होंने ये घर 2007 में एक पारसी फैमिली से 39 करोड़ रुपए में खरीदा था। जब तक सचिन ने ये घर नहीं खरीदा था तब तक ये बंगला डोरव विला के नाम से पूरे मुंबई में मशहूर था। सचिन का 5 फ्लोर वाला ये बंगला पैरी क्रॉस रोड बांद्रा वेस्ट मुंबई में मौजूद है। 6000 स्क्वायर फीट में फैले इस घर में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर के अलावा सचिन का दूसरा घर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ये घर सचिन ने 7,50,00,000 रुपए में खरीदा था। नंबर 3, युवराज सिंह। 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह वैसे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मगर इन्होंने अपना घर मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके में 2013 में खरीदा था। 2013 में युवराज सिंह ने मुंबई के वर्ली में मौजूद ओमकार टावर के 29वें फ्लोर पर 64 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत चुकाकर ये अपार्टमेंट खरीद लिया था। युवराज सिंह का ये अपार्टमेंट 16,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जिसमें हर तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज मौजूद हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली का घर भी इसी ओमकार टावर के 35वें फ्लोर पर है। नंबर 2, विराट कोहली। वेल, ये तो आपने जान ही लिया है कि जिस ओमकार टावर में युवराज सिंह का घर है उसी ओमकार टावर के 35वें फ्लोर पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का घर भी है। चलिए अब आपको हम इस घर की कुछ और डिटेल्स दे देते हैं। फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली ने ये घर 2016 में 34 करोड़ में खरीदा था। फिलहाल विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ इसी घर में रहते हैं। इसके अलावा विराट कोहली का एक घर गुरुग्राम में मौजूद है जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए है। गुरुग्राम वाला ये घर साधारण नहीं बल्कि एक आलीशान बंगला है। विराट कोहली का पूरा परिवार इसी आलीशान बंगले में रहता है। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए मगर इनका जलवा आज भी बरकरार है। धोनी के घर की बात करें तो धोनी के फिलहाल 4 घर हैं। इनमें इनका सबसे मशहूर और सबसे महंगा घर रांची में है। दरअसल ये पूरे 7 एकड़ में फैला एक विशाल फार्म हाउस है। 2017 से महेंद्र सिंह धोनी इसी फार्म हाउस में रह रहे हैं। धोनी के इस फार्म हाउस का नाम कैलाशपति है। इस फार्म हाउस के बनने में 3 साल का समय लगा था और कहा जाता है कि ये फार्म हाउस लगभग 100 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा हाल ही में धोनी ने पुणे के पिंपरी चिचवड़ इलाके में भी एक बंगला लिया है। इसके अलावा धोनी का एक घर उनके फार्म हाउस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जो उन्होंने 2009 में खरीदा था। इसके अलावा धोनी का एक खानदानी घर भी है जहां धोनी का बचपन बीता था। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपको किस क्रिकेटर का घर सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया। अमेजिंग वीडियो जिसमें हमने जाना टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स। एंड मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि टॉप 10 में फर्स्ट एंड सेकंड पे माय मोस्ट फेवरेट माही एंड विराट कोहली के ही घर थे, जिसे जानकर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और इसके अलावा जो मुझे नंबर 10 पे जडेजा की, जिन्होंने बताया कि उनका घर जो है, जो उसका इंटीरियर है, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक महल की तरह उसको स्टाइल किया, किले की तरह बनाया है, तो ये बात मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट करी कि वाकई इस तरह का भी बनाया जा सकता है कि जिसको शौक हो कि एक महल में रहने का, अपने आप को रॉयल फील कराने का, तो वही इस तरह के घर बनाने की चाहत भी रखता है और बनाता भी है। और शायद जडेजा का भी कुछ मिजाज ऐसा ही है। इसके अलावा जो सेकंड मुझे बात काफी फैसिनेट करी वो थी जो प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से एक पारसी फैमिली से काफी एक्सपेंसिव घर खरीदा, लेकिन वो घर भी क्या कमाल का घर है। मतलब 6000 एकड़ पे वो घर है और उसके 5 फ्लोर्स हैं और जिस तरह से उसकी कुछ पिक्चर्स हमने देखी तो देख के मतलब बंदा सिर्फ देखता ही रह जाए, इतना खूबसूरत घर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह जो उन्होंने बताया कि सौरभ गांगुली का जो घर है वो 65 ईयर्स पुराना, मतलब उनका पुश्तैनी घर है कोलकाता में, और वो उस कोलकाता की सबसे महंगी जगह पर उनका घर है और उस घर से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी है। मतलब चाहे वो प्लेयर कितने बड़े बन गए हों, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मतलब मेरे दिल को छुई कि वो अब भी उसी घर में रह रहे हैं जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। सो अपने रूट से वो कनेक्टेड है।
सो ये थे वो कुछ चंद घर जो मुझे वाकई बहुत पसंद आए, और वैसे तो सभी बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा आप लोगों को कौन से पसंद आए, कौन से क्रिकेटर का घर आप लोगों को सबसे बेस्ट लगता है, जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और अमेजिंग सी वीडियोस आती रहे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे भी ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।